मालविया गेट सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम स्केटिंग व्हील क्रिएट करने वाले हैं और इसके सारे फीचर टूल्स इसमें एक एक करके यूज करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसकी मदद से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका सबसे पहले हम 2D ड्राइंग देख लेते हैं। देखिए, ये हमने एक 2D ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें देखिए ये सारे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फिर यहाँ पर इसके राइट व्यू, यहाँ पर सेक्शन व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पर हमने मेंशन किया है। अब इसके देखिए डायमीटर, हमने यहाँ पर देखिए ये कर्व डायमीटर है जिसकी साइज यहाँ पर 48 mm, फिर यहाँ पर 22-18 mm और यहाँ पे देखिए इसकी सारी हाइट, यहाँ पे इसकी साइज हमने अप्लाई की है। ये सारी साइज हमने mm साइज में यहाँ पे अप्लाई करके इस व्हील को क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर देखिए इसका जो शेप है ये टेपर एंगल में 42.9 की डिग्री में हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसका 2D ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ पर फिर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लाइन टूल एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट के साथ इसे कोइंसिडेंट इसका रिलेशन सेट कर देना है। देखिए इस तरह से आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। फिर यहां पर 3-point आर्क हम ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से हम 3-point आर्क, फिर से आप 3-point आर्क यहां पे एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ इसे कोइंसिडेंट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल करना है। अब हम इसके सारे डायमेंशन यहां पर एक एक करके अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट आपको होल्ड करनी है। अब यहां पर इसका डायमीटर हम फुल डायमीटर, देखिए हमने सेंटर लाइन से फुल डायमीटर यहां पर अप्लाई किया है 48 mm। अब यहां पर इस पॉइंट से इसका फुल डायमीटर 18 mm। अब यहां पर इसकी रेडियस हमें अप्लाई करनी है 110 और यहां पर इसकी रेडियस करनी है 200। अब यहां पर क्या करना है, हमें इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब यहां पर टोटल लेंथ हमें अप्लाई करनी है यहां से यहां तक। इसे अभी डिलीट कर देते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर डायमेंशन इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट की आपको होल्ड करनी है, फिर यहां पर 28 mm अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरह से, और यहां पर इस पॉइंट से इसका फुल डायमीटर 29 mm। अब यहां पर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 40
14 mm। तो देखिए ये फुली कंस्ट्रेंट यहां पर ड्राइंग हमारा हो गया है, फुली डिफाइंड, सारी लाइनें कंस्ट्रेंट में कंप्लीटली यहां पर सेट कर दी है हमने। यहां पर इस डायमेंशन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहां पर लीडर में जाएंगे और यहां पर इसे सिलेक्ट करना है ताकि ये लाइन हमें यहां पर इसका एरो यहां तक ही हमें दिखे। इसी तरह से इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे, लीडर में जाएंगे और चेंज कर देंगे। देखिए इस तरह से ये ड्राइंग कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अब सिंपली आपको फीचर टैब में जाना है, रिवॉल्व बॉस अप्लाई कर देना है, लाइन देखिए एक्सिस लाइन यहां पर सिलेक्ट हो गई है 360 डिग्री और ओके करना है। अब हमें बैक साइड की फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 22 mm। फीचर टैब में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे और यहां पर इसकी साइज रहेगी 12 mm। अब इसी तरह से इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच और यहां पर कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है और यहां पर अप टू नेक्स्ट कर देना है। फिलेट अप्लाई करेंगे, फिलेट यहां पर 1 mm, देखिए यहां पर इस एज को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर इस एज को और यहां पर बैक साइड में इस एज को सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। अब हमें यहां पर अपीयरेंस में जाना है, फिर आपको क्या करना है, यहां पर देखिए प्लास्टिक को ओपन करना है, प्लास्टिक में जाना है, फिर यहां पर देखिए टेक्सचर्ड ओपन करना है, फिर यहां पर आपको PWMT11018 इसे अप्लाई करना है, देखिए इस तरह से। फिर आपको इस फेस को और यहां पर इस होल को सिलेक्ट करना है और यहां पर इसका अपीयरेंस चेंज करना है, देखिए PWMT11000, देखिए इस तरह से। इसी तरह यहां पर इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर भी अपीयरेंस चेंज कर देना है, कलर में जाना है, यहां पर एडिट कलर, एडिट अपीयरेंस भी कह सकते हैं इसे, और यहां पर इसका कलर चेंज करेंगे ग्रीन कलर। आप जो भी कलर यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अंदर वाले फेस को सिलेक्ट करना है, यहां पर भी हमें ग्रीन कलर अप्लाई करना है। अब हम यहां पर इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एडिट अपीयरेंस और यहां पर रेड कलर अप्लाई करेंगे। अब जो फिलेट है उसमें ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा जो व्हील है थोड़ा अट्रैक्टिव हमें लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। अब हम यहां पर प्लेन सिलेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर डायरेक्टली इसे ड्रैग कर देना है, देखिए राइट प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल की होल्ड करनी है और इस तरह से इसे ड्रैग कर देंगे तो यहां पर एक प्लेन एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस हमें यहां पर अप्लाई करना है 20 mm और ओके करना है, स्केच, एडिट स्केच। अब यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जिसका डायमीटर रहेगा 33 mm। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं हम, फिर आपको इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहां पर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देना है।
ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट एक्टिवेट करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको लिखना है स्केटिंग, या आप जो भी ब्रांडिंग देना चाहते हैं इसे इसका ब्रांड दे सकते हैं, उस नाम से आप टाइप कर सकते हैं। देखिए इस पोजीशन में आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, इसी तरह से थोड़ा स्पेस देकर यहाँ पे कंट्रोल सी करना है, फिर यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है, थोड़ा और स्पेस देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। देखिए इस तरह से इसकी गैप आपको यहाँ पर सेट कर देनी है। तो हम देखिए इस तरह से इसकी गैप सेट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। अब हम इसे एग्जिट कर देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर स्केटिंग की ब्रांडिंग यहां पर हो गई है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर कर्व वाले ड्रॉप डाउन में जाना है और यहां पर स्प्लिट लाइन इस टूल को एक्टिवेट करना है। इस टूल को एक्टिवेट करने के बाद देखिए यहां पर टाइप ऑफ स्लिट प्रोजेक्शन आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन में आपको देखिए इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है जो स्केटिंग आपने टाइप किया था, और यहाँ पर आपको किस फेस पर ये स्प्लिट करना है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर ब्रांडिंग इसकी अप्लाई हो गई है। तो हम सिंपली स्प्लिट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर एडिट अपीयरेंस इसमें जाएंगे और यहां पर इसका कलर ब्लैक अप्लाई कर देंगे। देखिए ये ऑलरेडी ब्लैक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इसकी सारी फेस सिलेक्ट करनी है आपको। इन सारी फेस को सिलेक्ट करने के बाद एडिट अपीयरेंस में जाना है और यहां पर ब्लैक कलर अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरह से ये कुछ अट्रैक्टिव व्हील लगेगा हमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी तरह के कंटेंट और प्रोजेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।